एंगर इज अ वर्ड शॉर्टर देन डेंजर, यानी कि एंगर के आगे अगर हम डी लगा दें तो वो बन जाता है डेंजर। तो और इस डेंजर का सामना हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किया है, तो हम सबको पता है कि ये कितना डेंजरस होता है। तो आप सब समझ ही गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं गुस्से यानी एंगर के बारे में। दोस्तों, देयर इज अ फेमस सेइंग व्हिच सेज दैट यू आर द विक्टिम ऑफ योर ओन एंगर। तो हम सब बात करते रहते हैं कि किसी से दुश्मनी मत करो, किसी से बैर मत करो, किसी को बुरा मत करो, पर फ्रेंड्स हम ये जानते ही नहीं कि सबसे बड़ा दुश्मन तो रोज़ हमने अपने अंदर ही पाला होता है और इसको हम रोज़ बुलावा देते हैं, क्योंकि गुस्सा तो हमें कभी ना कभी या कहना चाहिए रोज़ ही आ जाता है अपनी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आ जाता है गुस्सा और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। ये बात डॉक्टर्स ने भी प्रूव की है कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो कई सारे डिजीज के शिकार होते हैं, जैसे माइग्रेन, हेडेक, हार्ट अटैक एंड मैनी मोर। भगवत गीता में भी लिखा है जो मनुष्य ज़्यादा गुस्सा करता है वो अपने लिए नर्क के द्वार खोल देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा होती है पर वो ऊर्जा नेगेटिव होती है। जितना पावरफुल ऊर्जा नेगेटिविटी होती है तो हम बहुत ईजीली अपने चारों तरफ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। हमें गुस्सा कब आता है? हमें गुस्सा आता है जब सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती या हम किसी चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, अंदर ही अंदर कूद रहे होते हैं, बार बार वो बातें हमारे ध्यान में आती हैं तो हम एकदम से गुस्सा कर देते हैं। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम सभी के साथ लाइफ में होती है, हम में से अक्सर सब लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं पहले क्यों करूं, मैं क्यों फ़ोन करूं, मेरी तो मिस्टेक ही नहीं है। और ऐसा हम करते हैं और लेकिन हम उससे क्या करते हैं, ऐसा करने से भी हम अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं और ये वजह भी होती है जो हमारे अंदर गुस्सा भरा चला जाता है। इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, मैं इसलिए झुकूं क्योंकि मुझे अपने मन की शांति चाहिए, क्योंकि मुझे हेल्थ चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा मन अच्छा चाहिए, और मैं फ़ोन इसलिए करूं क्योंकि मुझे अपने रिलेशंस ठीक रखने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत कॉमन सी बात है, आप में से हम सभी के साथ ऐसे होता है कि हम ये तो सोच लेते हैं कि हम फ़ोन नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद बताइए क्या हम सब तब ठीक रह पाते हैं? क्या हमारा मन शांत होता है? क्या हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे होते? हमारे मन में बार बार ये बातें आती रहती हैं, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, ये बात कैसे बोल दी, है ना? ये सब बहुत कॉमन सी बातें हैं। तो इन सब से भी तो हम अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको हम नेगेटिव कर रहे हैं और अपने आप को गुस्से से भर रहे हैं, तो ये भी तो हमारी हेल्थ के नुकसानदायक है। तो अगर सिर्फ हम यही सोच लें कि हम इसलिए झुकें क्योंकि हमें अपनी लाइफ हेल्दी चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आई विल टेल यू सम टेक्निक्स हाउ टू हैंडल योर एंगर। टेक्निक 1, डीप ब्रीदिंग। हमें लगे जब हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें बस 2 मिनट के लिए साइड में होना है और डीप ब्रीथ करनी है। कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। और हमें ये सोचना है जो हमने अंदर लिया है वो ब्लू एयर है, ब्लू ब्रीथ है, और जो हमने बाहर निकाली है वो हमारी रेड एयर है, यानी कि ब्लू ब्रीथ हमने ठंडक मतलब कूल एयर हमने अंदर इनहेल की और रेड एयर यानी कि हमारा गुस्सा वो हमने बाहर निकाला। ऐसे ही अगर आपने 5 से 10 ब्रीथ ले ली तो आप देखेंगे आपका मन बहुत ही शांत हो जाएगा। टेक्निक नंबर 2, एंटिसिपेट दी सिचुएशन। यानी कि मोस्टली हमें पता होता है कि हमें जो सिचुएशन हमारे सामने चल रही है इसमें हमें गुस्सा आ सकता है या हम किसी से हमारा हॉट डिस्कशन हो सकता है, हमें उस सिचुएशन को अवॉइड कर देना चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हों
तो हमें अपने माइंड में रिहर्स करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स गुस्सा किसी को ऐसे एकदम से नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि इस सिचुएशन में हमें गुस्सा आने वाला है, तो या तो हम उसको अवॉइड कर दें। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि सिचुएशन को एंटिसिपेट करते हुए उसको अवॉइड कर देना चाहिए। नहीं तो हम जो भी गुस्से में बोलने वाले हैं ना, हमें उसे माइंड में रिहर्स करना चाहिए। उससे भी हम शांत कर सकते हैं अपने मन को, और गुस्से से होने वाले जो भी नुकसान हमें हो सकते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। टेक्निक नंबर थ्री के हिसाब से हमें एक व्रत करना चाहिए। जैसे कि हम सब अपने अपने लाइक रिचुअल्स में, फेस्टिवल्स पे हम व्रत करते हैं, या बहुत से लोग वीकली भी व्रत करते हैं किसी न किसी ओकेजन पे। तो मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि रोज़ाना कोशिश करें, एक व्रत करें, और उसको उस व्रत में ये रिजोल्यूशन लें कि हम गुस्सा आज नहीं करेंगे या हम गुस्सा कम करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर हम ये मन से ठान लें, ये व्रत कर लें कि हमें गुस्सा कम करना है, हमें गुस्सा बिल्कुल ही नहीं करना है, तो इससे भी हम अपने आप को बहुत बेटर सिचुएशन में रख पाएंगे। तो इन टेक्निक्स को फ्रेंड्स फॉलो कीजिए, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।